नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सलोनी शर्मा। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की, रुक करते हैं बड़ी खबर की ओर। राजस्थान के बीकानेर में एक दलित लड़की के साथ गैंग रेप और फिर हत्या का मामला सामने आया है। इस मामले में दो पुलिसकर्मियों के नाम भी सामने आए हैं जिन पर रेप और हत्या का आरोप है। प्रशासन ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी दोनों पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया है। हालांकि अब तक इस मामले में कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। मामला बीकानेर के खाजूवाला इलाके का है और युवती की हत्या के बाद पूरे इलाके में तनाव का माहौल है। युवती के साथ गैंग रेप और हत्या के मामले में अब तक गिरफ्तारी न होने से परिजन नाराज हैं और बुधवार सुबह मॉर्चरी के बाहर प्रदर्शन पर बैठ गए हैं। इस संबंध में खाजूवाला थाने में गैंग रेप हत्या SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है और FIR में खाजूवाला थाने के दो कांस्टेबल पर भी आरोप लगाए गए हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक युवक के गले में बेल्ट बांधकर उसे कुत्ता बनाने का वीडियो वायरल होने के बाद अब आरोपियों के खिलाफ सख्त एक्शन शुरू हो चुका है। तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किए जाने के बाद अब उनमें से एक के घर को भी तोड़ा गया है। प्रशासन की तरफ से कहा गया है कि अवैध तरीके से बनाए गए हिस्से को तोड़कर हटाया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक CM शिवराज सिंह चौहान ने पुलिस कमिश्नर को सख्त कार्रवाई करने के लिए कहा था। इसके बाद आरोपी समीर के घर को तोड़ा गया। दो अन्य आरोपियों के नाम साजिद और फैजान हैं। दरअसल इस घटना को लेकर सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें युवक के गले में फंदा डालकर कुत्ते की तरह उसके साथ व्यवहार किया जा रहा था। पीड़ित से आरोपी माफी मंगवा रहे थे। वीडियो में आरोपियों के चुंगल में फंसा युवक गिड़गिड़ाता हुआ नजर आ रहा था। वीडियो सामने आने के बाद CM शिवराज सिंह चौहान ने इस पर नाराजगी व्यक्त की थी और आरोपियों के खिलाफ सख्त एक्शन के लिए कहा था। पौड़ी के नानसुला पट्टी के डोब गांव के ग्रामवासियों ने अपने कुल देवता केदार देवता मंदिर का जीर्णोद्धार किया जिसका उद्घाटन उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष ऋतुखंडूरी भूषण ने किया। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष ने मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की, प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि और खुशहाली की भी कामना की। श्रीनगर गढ़वाल में हिंदू युवती और विशेष समुदाय के बीच प्रेम प्रसंग का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि यहां मुस्लिम समुदाय का एक युवक हिंदू लड़की को भगाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन स्थानीय लोगों को पता चलने के बाद युवती को पहले ही पकड़ लिया गया। वहीं घटना के बाद से ही यहां स्थानीय लोगों में आक्रोश देखने को मिला। श्रीनगर गढ़वाल का व्यापार सभा और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने कोतवाली पहुंच हंगामा काटा, साथ ही पुलिस इस तरह के मामले को रोक लगाने की मांग की। स्थानीय लोगों का कहना है कि बड़ी संख्या में बाहर से पहाड़ों की ओर से विशेष समुदाय के लोग पहुंच रहे हैं, लेकिन उनका सत्यापन नहीं किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि ये लोग यहाँ के शांत वातावरण को अशांत करने की कोशिश कर रहे हैं। स्थानीय लोगों ने पुलिस से लव जिहाद जैसे मामले श्रीनगर में न हो इसकी मांग की है। कहा है कि अगर इस तरह का मामला फिर संज्ञान में आता है तो उग्र विरोध करने को मिल मामले। देखिए, जिस प्रकार से आप लोग देख रहे हैं, ये जो लव जिहाद और हिंदू लड़कियों को बैरगला करके फुसला करके इस प्रकार की घटनाएं जो उत्तराखंड में बड़ी हैं, उसी प्रकार की घटना श्रीनगर में हुई। अभी 3 दिन पहले जो एक लड़की को, मुसलमान लड़का जो कि जिसका बाप की यहाँ पे अचार बेचता था, और उस लड़के ने बैला फुसला करके वो भगाने की पूरी तैयारी कर दी थी। शहर के जो जिम्मेदार व्यक्ति थे, कुछ व्यापारी भी आए थे। ये जो आजकल घटनाएं घटती है, उसके द्वारा बताया गया कि यदि किसी भी साथ में भी घटना घटती है उसके संबंध में आप तुरंत विधिक कार्रवाई हो, इसलिए कड़ी कार्रवाई की मांग की थी। ये थाने पर आए सर, को कुछ पर्टिकुलर कोई मामला था क्या उसका? नहीं, ये जो आजकल आमतौर पर सोशल मीडिया और उसके माध्यम से जो पोस्टें होती हैं उसी को लेके आए थे। वहीं नानकपता तहसील दिवस पर जनता दरबार लगाकर जनसमस्याएं सुनी गई। उप तहसील नानकमता के तहसील दिवस अवसर पर नगर के श्री गुरु नानक देव स्नातोत्तर महाविद्यालय में अपर जिला अधिकारी जय भरत सिंह के द्वारा जनता दरबार लगाकर क्षेत्र के लोगों की समस्याएं सुनी गई। इस दौरान शिक्षा विभाग, राजस्व विभाग, नलकूप विभाग, स्वास्थ्य विभाग, वन विभाग और सुरक्षा विभाग के अधिकारी मौजूद थे। जनता दरबार के दौरान अधिकतर समस्याएं शिक्षा,
स्वास्थ्य, राजस्व, सिंचाई के लिए पानी और भूमि, विद्युत कटौती की समस्याएं सामने आई, जिस पर जय भारत सिंह द्वारा संबंधित विभाग से सभी की समस्याओं के निदान के लिए कहा गया। कार्यक्रम के दौरान नानकमता विधायक गोपाल सिंह राणा ने कहा कि बरसात के दौरान नानकमता क्षेत्र में टुकड़ी बिछवा हरेई कैथुलिया नगला गांव में बाढ़ की समस्या आ जाती है, जिसमें कई लोगों के घर में बरसात का पानी घुस जाता है। इसलिए बरसात के पानी से बचाव के लिए जरूरी उपाय पहले ही करना अति आवश्यक है। कार्यक्रम के दौरान SDM जय भारत सिंह, जिला शिक्षा अधिकारी रमेश आर्य, विधायक नानकमत्ता गोपाल सिंह राणा, नगर पंचायत अध्यक्ष प्रेम सिंह टुन्ना, SDM खटीमा रविंद्र सिंह बिस्ट, तहसील सितारगंज जगमोहन त्रिपाठी, ग्राम प्रधान संघ प्रदेश अध्यक्ष भास्कर संभल, पूर्व विधायक डॉक्टर प्रेम सिंह राणा आदि मौजूद रहे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आज पूरा विश्व योग दिवस मना रहा है। धर्मनगरी हरिद्वार के पतंजलि में आज बाबा रामदेव ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री CM धामी के साथ योग किया। हरिद्वार में जगह जगह योगाभ्यास के लिए कैंपस लगाए। इस अवसर पर योग दिवस की थीम वसुदेव कुटुंबकम के लिए योग, यानी एक विश्व एक परिवार के रूप में सभी के कल्याण के लिए योग न केवल मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं के लिए बल्कि समग्र कल्याण के लिए फायदेमंद है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री CM धामी ने कहा कि हम उत्तराखंड को योग और अध्यात्म के क्षेत्र में आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। वहीं बाबा रामदेव ने कहा कि योग युक्त और नशा मुक्त उत्तराखंड बनाना है। यहाँ पर हजारों 20,000 से भी अधिक लोगों के साथ और 2.5 घंटे तक पूज्य स्वामी जी के सानिध्य में सभी ने योग की विधाएं सीखी। हम उत्तराखंड को योग के क्षेत्र में, अध्यात्म के क्षेत्र में, संस्कृति के क्षेत्र में, जो पूरे भारत का ही नहीं विश्व का हमारा केंद्र है, हम उसी दिशा में उत्तराखंड को विकसित करने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। नौवां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, भारत में कम से कम 10 करोड़ से ज्यादा लोग घरों से बाहर निकल करके योग के लिए निकले। यह एक योग का अप्रतिम जलवा है और इस योग धर्म, वेद धर्म, ऋषि धर्म, सनातन धर्म के माध्यम से एक राष्ट्र धर्म की एक नई आगाज, युग धर्म का एक नया स्वर गुंजायमान हुआ है। जिले भर में 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के साथ ही गंगा ग्राम, नमामि गंगे स्थान घाटों और जनपद मुख्यालय पर केदार घाट और कीर्ति इंटर कॉलेज परिसर में स्थानीय नागरिकों, अधिकारियों और कर्मचारियों, ITB और मीडिया कर्मियों द्वारा योगाभ्यास किया गया। जिलाधिकारी अभिषेक रोहेला ने 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर कीर्ति इंटर कॉलेज परिसर और केदार घाट में आयोजित कार्यक्रम में प्रतिभाग किया और योगाभ्यास किया। जिले भर में आयोजित कार्यक्रम में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम वन वर्ल्ड वन हेल्थ की परंपरा का अनुसरण किया गया और विभिन्न स्थानों पर आयोजित योग कार्यक्रम में लोगों द्वारा योगाभ्यास भी किया गया। बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ मैं माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का और यहाँ के मुख्यमंत्री धामी जी का, जो ये कार्यक्रम बहुत बड़े लेवल पर हो रहा है, जिससे लोगों को स्वास्थ्य अच्छा रहे। आज गंगोत्री धाम में माँ भगवती के चरणों में ये कार्यक्रम हुआ और माननीय विधायक जी का भी बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, श्री चौहान जी का और आप सभी का, और बड़ी संख्या में लोगों ने इस कार्यक्रम को किया। आरओबी की कार्यदायी संस्था के निदेशक दीपक बिल्डर के साथ आज विधायक त्रिलोक सिंह सीमा, पूर्व विधायक हरभजन सिंह चीमा और उप जिलाधिकारी अभय प्रताप सिंह ने आरओबी निर्माण कार्य में हो रही देरी को लेकर पुल का बारीकी से निरीक्षण किया और हो रही देरी को लेकर कार्यदायी संस्था से वार्ता की। इस दौरान विधायक त्रिलोक सिंह चीमा ने प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि 20 जून इस निर्माण कार्य के लिए आखिरी तारीख दी गई थी। हमने बिल्डर्स पर ज्यादा प्रेशर भी नहीं डाला क्योंकि प्रेशर के चलते गलती होने की संभावना होती है और ये हैवी स्ट्रक्चर है, तो इसीलिए ज्यादा प्रेशर नहीं डाला गया। लेकिन अब समय पूरा हो चुका है तो आज हमने मीटिंग ली है। मीटिंग में उन्होंने अपनी परेशानियां भी बताई हैं और अब आश्वासन दिया है कि अगले 2 महीने में ये काम पूरा हो जाएगा। इस अवसर पर बोलते हुए पूर्व विधायक हरभजन सिंह चीमा ने कहा कि 4 साल से ज्यादा समय हो चुका है, अब हम भी बार बार तारीख लेकर थक चुके हैं। 2 साल का समय इनको टेंडर कॉल के लिए दिया गया था, लेकिन इस समय में कितनी बार मीटिंग ली गई, कितनी बार तारीखें दी गई, इसकी कोई हद और सीमा नहीं है।
पिछले मीटिंग में इन्होंने हमें 15 जून को अपना कार्य पूरा करने का वादा किया था। वहीं उप जिलाधिकारी अभय प्रताप सिंह ने बताया कि पिछले 4 महीने से यहां काम चल रहा है और प्रशासन भी इस कार्य की मॉनिटरिंग कर रहा था। अभी 2 रेलवे के इंस्पेक्शन रह गए हैं, वो होने के बाद शेष काम होना है, उसकी भी मॉनिटरिंग की जाएगी और प्रयास ये रहेगा कि यह काम जल्दी से जल्दी हो जाए। और एक मीटिंग के दौरान जल भराव की समस्या आई है, इसके लिए भी सॉल्यूशन निकाला जाएगा। पहली डेट जो है 20 जून दी थी, हम लोगों ने बहुत ज़्यादा इनके ऊपर प्रेशर नहीं डाला क्योंकि ये बहुत हैवी स्ट्रक्चर है और कोई भी प्रेशर के साथ कुछ कोई एरर हो जाए, कोई फैब्रिकेशन में गलती हो जाए, इरेक्शन में कोई गलती हो जाए तो उसका बड़ा नुकसान हो सकता था। लेकिन क्योंकि अब समय बीत चुका है तो आज हम लोगों ने इन लोगों दीपक बिल्डर्स की मीट ली है, तो उन्होंने अपनी मुश्किलें भी बताई हैं, कुछ बेयरिंग के इंस्पेक्शन की प्रॉब्लम बताई है कुछ। वहीं नवम योग दिवस पूरे देश प्रदेश में लोगों के साथ मनाया जा रहा है। भारतीय संस्कृति में योग का महत्वपूर्ण योगदान है। हमारे प्राचीन काल में ऋषि मुनि भी योग के महत्व को बताते थे। आज भारत पूरे विश्व में विश्व गुरु बनने की कगार पर है। योग भारत से ही निकला है और आज पूरे विश्व में हर देश में मनाया जा रहा है। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस बार अमेरिका में न्यूयॉर्क सिटी में वहाँ के लोगों के साथ योगासन कर रहे हैं। वहीं रायबरेली में शहर के मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में भी योग को लेकर भव्य आयोजन किया गया, जहां पर राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दिनेश सिंह, जिला अधिकारी माला श्रीवास्तव, उप जिलाधिकारी प्रशासन प्रफुल्ल त्रिपाठी और पूरे प्रशासनिक और शहर के लोगों के साथ योगाभ्यास किया गया। वहीं दलमऊ मठ के महंत देवेंद्र आचार्य गिरी महाराज और राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के द्वारा डॉक्टर रवि प्रताप सिंह को योग गुरु की उपाधि दी गई। रवि प्रताप सिंह के द्वारा लोगों को योग करने के फायदे बताए गए। उसी के साथ पुलिस लाइन परिसर में भी पुलिस अधीक्षक आलोक प्रियदर्शी, अपर पुलिस अधीक्षक नवीन कुमार सिंह, क्षेत्राधिकारी सदर वंदना सिंह और पूरे पुलिस महकमा योगाभ्यास करते हुए दिखा। उत्तर प्रदेश सरकार की योग को लेकर इस बार की थीम हर आंगन योग के साथ, पूरे प्रदेश में योग की कार्यशाला भव्यता के साथ मनाई गई। जी, जैसे इस बार उत्तर प्रदेश सरकार की थीम थी हर घर आंगन योग और मुख्य रूप से हम लोगों को इसमें महिलाओं को जोड़ना था, क्योंकि महिलाएं अगर घर में जागरूक होंगी तो पुरुष भी जागरूक हो जाएगा, बच्चे भी और वृद्धजन भी जागरूक रहेंगे। तो हमारा संदेश ये है कि हर महिलाएं प्रतिदिन अपने घर में एक स्थान सुरक्षित करें और वहाँ नियमित रूप से योग करें। अगर उन्हें योग की क्रियाएँ कुछ नहीं भी आती, अंतर्राष्ट्रीय नवे योग दिवस के लिए मैं देशवासियों को, दुनिया के लोगों को बधाई देता हूं और धन्यवाद देता हूं अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को, जिन्होंने हम लोगों को ये हमारी पौराणिक पद्धति, वैदिक पद्धति, जिस पर बिना किसी व्यय के हम स्वस्थ रह सकते हैं, ऐसी परंपरा को हम सबको फिर से प्रचलित करा दिया। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर पुलिस लाइन एटा में योगाभ्यास कराया गया। योग प्रशिक्षक कमल सिंह और कुमारी साक्षी द्वारा वृक्षासन, पद्महासन, अर्धचक्रासन, त्रिकोणासन, भद्रासन, वज्रासन जैसे कई योगाभ्यास किए गए तथा कपालभाति, नाड़ी शोधन, भ्रामरी और शीतल प्राणायाम का भी अभ्यास करवाया गया। अपर पुलिस अधीक्षक एटा श्री विनोद कुमार पांडे के साथ समस्त पुलिसकर्मियों ने योग, ध्यान और प्राणायाम का अभ्यास किया। योग प्रशिक्षक कमल गौतम द्वारा योग के महत्व पर प्रकाश डालते हुए अस्तित्व के 7 स्तरों का वर्णन किया गया, जिसमें शारीरिक योगाभ्यास के साथ साथ सांसों के नियम के महत्व को भी प्रकाश में लाया गया। अपर पुलिस अधीक्षक एटा विनोद कुमार पांडे द्वारा उपस्थित सभी पुलिसकर्मियों को इस अवसर का लाभ उठाने के लिए प्रेरित किया गया। कार्यक्रम में क्षेत्राधिकारी नगर श्री विक्रांत द्विवेदी, क्षेत्राधिकारी सुनील कुमार त्यागी भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन और अतिथियों का स्वागत, धन्यवाद RI श्री हरपाल सिंह द्वारा किया गया। साथ ही जिले के समस्त स्थानों पर जनपदीय पुलिस द्वारा योगाभ्यास भी किया गया। ग्रीष्म संक्रांति के अवसर पर कासगंज में योग दिवस मनाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा आज से 9 साल पहले योग दिवस की शुरुआत हुई थी।
अब योग की महत्ता को देखते हुए पूरी दुनिया 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहा है। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के कासगंज में भी जिला प्रशासन द्वारा योग अभ्यास का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों लोगों ने और तमाम अधिकारियों के साथ बीजेपी के नेताओं ने योग स्थल पर पहुंचकर योगाभ्यास किया। मैम, आज योग दिवस मना, इसको लेके क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, अभी हम लोग सूरज प्रसाद डागा स्कूल में उपस्थित हैं। यहाँ पर पूरे उत्साह से आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन किया गया है। बहुत ही उत्साहित तरीके से लोगों ने यहाँ पर प्रतिभाग किया है और इसका एक सफल आयोजन हुआ है। मैं आज यही संदेश लोगों को देना चाहूँगी कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य पे जो हम लोगों ने यहाँ पर प्रोटोकॉल किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के 4 दिवसीय दौरे पर हैं। दौरे के आज दूसरे दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के अवसर पर गोरखनाथ मंदिर परिसर स्थित दिग्विजयनाथ स्मृति भवन में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संदेश को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ योगाभ्यास किए। इस दौरान गोरखपुर के सदर सांसद रवि किशन, महापौर मंगलेश श्रीवास्तव, कमिश्नर ADG अखिल कुमार सहित अन्य भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी और आम लोग उपस्थित रहे। नौवें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आज झांसी में बड़े धूमधाम के साथ मनाया गया। योग दिवस मनाने के लिए पहले से ही तैयारियां जोरों पर थी। झांसी के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में, लक्ष्मी व्यायाम मंदिर में, पुलिस लाइन में आदि कई जगहों पर योगाभ्यास करने के लिए हजारों की संख्या में लोग एकत्रित हुए। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 2014 में शुरू किए गए अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस को आज पूरी दुनिया मना रही है। इसी कड़ी में झांसी के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में हजारों की संख्या में लोगों ने योगाभ्यास किया। इस मौके पर झांसी मेयर बिहारी लाल आर्य योगाभ्यास करने मेजर ध्यानचंद स्टेडियम पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि योग से मन को शांति मिलती है। आज पूरी दुनिया योग के माध्यम से अपने तरह तरह की बीमारियों को दूर कर रही है। इसी क्रम में झांसी के पुलिस लाइन में भी पुलिसकर्मियों और उनके परिवार के द्वारा योगाभ्यास किया गया। झांसी रेंज के DIG जोगिंदर सिंह ने बताया कि झांसी की पुलिस लाइन में सभी पुलिसकर्मियों और उनके परिवार के द्वारा योगाभ्यास किया गया है। उन्होंने कहा कि योग मन को शांति और तन को स्वस्थ रखने के लिए अहम भूमिका निभाता है। आगामी 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारियों में भारतीय जनता पार्टी जमीनी स्तर पर जुट चुकी है। यही वजह है कि मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा महाजनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक शाम के समय आज महुआ पहुंचे, जहां बीजेपी के कार्यकर्ता और पदाधिकारियों ने उनका जोरदार स्वागत किया। इसके बाद बीजेपी कार्यालय में सांसद, MLC और विधायक की मौजूदगी में एक बैठक भी आयोजित हुई। तो वहीं पत्रकार से वार्ता करते हुए उत्तराखंड के पूर्व CM ने केंद्र की मोदी सरकार की योजनाओं का जमकर बखान किया और कहा कि मोदी सरकार के 9 साल इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में लिखे जाने वाला समय है। आज जनता राम राज्य को महसूस कर रही है और दुनिया में लगातार भारत का सम्मान भी बढ़ रहा है। उन्नाव में जिला प्रशासन की बड़ी कार्रवाई हुई है। मानक विहीन संचालित रॉयल होटल को जिला प्रशासन ने सील कर दिया है। मानचित्र पास न होने से रॉयल गैलेक्सी होटल सीज किया गया है। SDM सदर अंकित शुक्ला और पुलिस बल मौके पर मौजूद हैं। SDM ने शहर के गरनखेड़ा बाईपास पर स्थित रॉयल गैलेक्सी होटल को सीज किया है। पूरी दुनिया की भांति बलरामपुर जिले में भी 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस उत्साह पूर्वक मनाया गया। योग के प्रति लोगों के संकल्प को बरसात भी नहीं रोक पाई। योग शुरू होने से कुछ ही घंटे पहले शुरू हुई बरसात ने तैयारियों पर खलल डालना शुरू कर दिया, लेकिन कार्यक्रम को रोक नहीं पाई। सभी स्थानों पर कार्यक्रम आउटडोर के बजाय इनडोर आयोजित किया गया। जिले के 3 तहसील ब्लॉक मुख्यालय सहित सभी विद्यालयों में योग दिवस कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिला मुख्यालय पर जिलाधिकारी अरविंद सिंह के नेतृत्व में बड़ा पड़े ग्राउंड इंडोर स्टेडियम में योग कार्यक्रम आयोजित किया गया। यहां पर मुख्य विकास अधिकारी संजीव कुमार वर्मा, अपर जिलाधिकारी प्रदीप कुमार और मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सुनील कुमार सहित बड़ी संख्या में अधिकारी और स्थानीय लोग योग कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। पतंजलि योग समिति और भारतीय जनता पार्टी के संयुक्त
तत्वाधन में डॉक्टर प्रांजल त्रिपाठी के निर्देश में अटल भवन में योग शिविर आयोजित किया गया। शिविर में सदर विधायक पलटू राम, जिला अध्यक्ष भाजपा प्रदीप सिंह, अजय सिंह, पिंकू सहित बड़ी संख्या में लोग सम्मिलित हुए। योगाचार्य अजय मिश्रा ने योग कार्यक्रम संपन्न कराया। जिला कारागार में भी योग कार्यक्रम आयोजित कर बंदियों को योग करने के लिए भी प्रेरित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जहां पूरे देश में मनाया जा रहा है, वहीं गंगा बैराज स्थित कानपुर बोट क्लब में उत्तर प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना और कानपुर यूनिवर्सिटी के कुलपति विनय पाठक ने भी योग किया। गंगा बैराज पर बने बोट क्लब को तिरंगे और गुब्बारे से सजाया गया और योग दिवस को बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया। इस योग दिवस में विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना और कानपुर विश्वविद्यालय के कुलपति विनय पाठक समेत सैकड़ों लोग मौजूद रहे। पतित पावनी माँ गंगा के पावन तट पर योग किया गया। वहीं विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाने ने बताया कि योग जीवन में प्लस करता है। योग के माध्यम से अपने जीवन में ऊर्जा को प्लस करते हैं, आत्मविश्वास को प्लस करते हैं और अपनी शारीरिक क्षमताओं को प्लस करते हैं। जब सारी चीजें प्लस होती हैं, मणिपुर हिंसा को लेकर साक्षी महाराज ने सरकार से कहा कि जितनी भी सरकार कदम उठा सकती है उठा रही है। अमित शाह ने कहा है कि मणिपुर के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। मणिपुर हिंसा पर साक्षी महाराज ने कहा कि कुछ लोग हैं जिन्हें मोदी रास नहीं आ रहे हैं। मोदी को हटाने के लिए वो गंदी से गंदी हरकतें कर सकते हैं, उसी का ये परिणाम है। सत्यपाल मलिक के बयान पर साक्षी महाराज ने कहा कि सत्यपाल मलिक जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। कहां राजा भोज, कहां गंगू तेली, किन भारत के भाग विधाता विश्व के नेता मोदी जी से आप राहुल की तुलना करते हैं, ये कोई कमेंट नहीं करना चाहते। महाराज जी, मणिपुर पिछले दो महीनों से जल रहा है, अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से, सरकार की, केंद्र सरकार की तरफ से बहुत ठोस कदम नहीं उठाए गए, क्या कहना चाहेंगे? सरकार जितने भी कदम उठा सकती है उठा रही है और माननीय अमित शाह जी ने कहा है कि हम मणिपुर के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। जाको राखे साइयां मार सके न कोई, ये कहावत सच साबित हुई है यूपी के शाहजहांपुर में। आपको बता दें कि एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। ये चौंका देने वाला वीडियो शाहजहांपुर रेलवे स्टेशन का है। यहाँ 110 की स्पीड से जा रहा पाटलिपुत्र एक्सप्रेस ट्रेन से एक युवक अचानक प्लेटफॉर्म पर गिर गया। हाई स्पीड ट्रेन से गिरने के बाद ये यात्री प्लेटफॉर्म पर लगभग 100 मीटर तक फिसलता चला गया। हैरान करने वाली बात यह है कि ट्रेन से गिरे युवक का बाल भी बाका नहीं हो पाया और वो आगे जाकर खड़ा हो गया, तो पूरा वाकया कैमरे में कैद हो गया। लोगों को दांतों तले उंगली दबाने को मजबूर कर देने वाला ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इस हैरतगंज घटना को देखने वाले लोगों ने कहा कि जिसका रक्षक राम उसको कैसे हो। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में आज मदरसा दायतुल्ला इस्माला जिगाए उलूम रसूलपुर वाराणसी में मदरसे के सैकड़ों छात्र छात्राओं ने योगाभ्यास किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में श्री शुभम कुमार श्रेष्ठ, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और पूर्व महामंत्री छात्र संघ हरिश्चंद्र स्नातकोत्तर महाविद्यालय वाराणसी और प्रबंधक रिजवान अहमद और प्रधानाचार्य सहित मदरसे के दर्जनों शिक्षक और कर्मचारीगण उपस्थित रहे। इस अवसर पर मुख्य अतिथि शुभम कुमार से इसने मदरसे के प्रबंधक और प्रधानाचार्य, मीडिया और जिला प्रशासन का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद छात्र हित के साथ ही समाज हित और देश हित के कार्य में भी बढ़ चढ़कर अपनी भूमिका सुनिश्चित करता है और परिषद में भी योगाभ्यास को मुख्य स्थान दिया गया है। योग मन, शरीर और आत्मा की एकता को सक्षम बनाने का मुख्य जरिया है। योगाभ्यास के विभिन्न रूपों से हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को अलग अलग तरीके से लाभ मिलता है। यह दिवस भारत में ही नहीं पूरे विश्व में बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। यह अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्राचीन भारतीय कला के लिए एक अनुष्ठान है जिसे दैनिक जीवन में योग के जन्म से ही हमारे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आता है, इसका पालन कर रहे हैं। वैसे शैक्षणिक संस्थानों में योग शिविर की संख्या और इस और भागीदारी को बढ़ाया गया है। कानपुर में अवैध अस्पतालों पर स्वास्थ्य विभाग लगातार सख्त कार्रवाई कर रहा है।
लेकिन नौबस्ता हमीरपुर रोड पर शालू नर्सिंग होम जो काफी दिनों से अवैध रूप से चल रहा आज पूरी तरह मानक विहीन है और बिना फायर एनओसी और बिना रजिस्ट्रेशन के किराए के मकान में अवैध रूप से चला रहा शालू नर्सिंग होम वहीं रामदेवी में केयर हॉस्पिटल जिसका जो कोरोना काल में टाइम जमकर लोगों से किया जाता था वहीं सूत्रों की माने तो वार्ड बॉय हॉस्पिटल का संचालन कर रहा था। पीलीभीत की पूरनपुर तहसील इलाके के मोहल्ला खानका निवासी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ऑफ इंडिया के प्रदेश अध्यक्ष हाफिज नूर अहमद अजहरी ने आदिपुरुष फिल्म को लेकर वीडियो बयान जारी किया है जिसमें उन्होंने बताया कि मुस्लिम धर्म में फिल्म देखना मना है। साथ ही अब फिल्मों के जरिए धर्मों को टारगेट किया जा रहा है, कभी कश्मीर फाइल तो कभी आदिपुरुष फिल्मों के जरिए धर्मों को टारगेट कर लोगों में नफरत फैलाने का काम किया जा रहा है। सरकार को ऐसी फिल्मों पर तत्काल प्रभाव से रोक देना चाहिए क्योंकि ऐसी फिल्में लोगों को बांटने का काम करती हैं। उन्नाव में विकास के नाम पर लाखों का गबन हो रहा है। दो ग्राम पंचायतों में विकास के लिए निकाले गए 4 लाख रुपए का गबन हुआ है। स्ट्रीट लाइट और डस्टबिन के नाम से ये पैसे निकाले गए थे। महीनों बीत जाने के बाद भी न लाइट लगी न ही कूड़े के लिए डस्टबिन लगाए गए। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।